हेलो एवरीवन, कैसा काय? आज के इस वीडियो लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर को कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके लिए मैं ट्रिक देने जा रहा हूँ। तो जैसे देखो एक हाथ में पांच उंगली होती है, वैसे यहाँ पे मैं आपको पांच ट्रिक दूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। बस ये पांच ट्रिक से आप इजीली किसी भी रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो कैसे, ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर वन कि हम रेट को कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ए की पावर सम एक्स और बी की पावर सम वाई, राइट? तो आपको इस पे बेस क्वेश्चन कैसे देगा कि कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो गया है। अगर ऐसा वर्ड यूज कर रहा है कि कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट का डबल करने से रेट डबल हो जा रहा है, तो डबल को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू की पावर वन। तो ये वन आया तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, वन। वैसे ही कहीं पे अगर कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट फोर टाइम्स हो रहा है, तो फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू की पावर टू। तो जो पावर आया ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा टू, उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली कहीं पे ऐसा आ रहा है कि डबल करने से कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा इन द सेंस वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डैट मीन्स टू की पावर जीरो, टू की पावर जीरो क्या होता है, वन, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो अभी हम एप्लीकेशन प्रॉब्लम में आपको बताएंगे भी। तो ये मेरा एक ट्रिक हो गया कि सिंपल आपको इस तरीके से ऑर्डर निकालना है। पॉइंट नंबर टू, डेट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हाफ लाइफ मेथड से भी निकाल सकते हैं, और उसके लिए सिंपल सा पॉइंट है कि किसी भी रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन, सी नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस एन होता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर सपोज करो जीरो ऑर्डर होगा तो एन क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, डैट मीन्स कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ेगा, डायरेक्टली है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता एन वन पुट करते तो इंडिपेंडेंट, अगर कहीं पे कंसंट्रेशन चेंज करने से हाफ लाइफ टाइम चेंज नहीं हो रहा है, पक्का वो फर्स्ट ऑर्डर है। एकदम याद रखना बेटा ये तीनों पॉइंट एकदम क्लियर। और अगर मैं एन की वैल्यू टू पुट कर दूं तो डैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर हो गया, तो हाफ लाइफ क्या हो गया, इनवर्सली रिलेटेड। तो वेरी सिंपल, डायरेक्टली है तो जीरो ऑर्डर, इंडिपेंडेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर, इनवर्सली है तो सेकेंड ऑर्डर, क्या हाफ लाइफ टाइम, एकदम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, कई बार यूज होगा ये। नेक्स्ट मेथड जो है या नेक्स्ट ट्रिक जो है वो अगेन कि आप ए को फिक्स रखो, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये। ए को फिक्स रखा और बी का वेरिएशन देखा, और बी का वेरिएशन देखा डबल करने पे अगर डबल हो जा रहा है, सेम इसी टाइप का पॉइंट, तो इसका मतलब ऑर्डर वन है, क्योंकि डबल को टू की पावर वन लिख सकते हैं। डबल करने पे अगर रेट फोर टाइम्स हो जा रहा है तो इसका मतलब टू की पावर टू है, तो ऑर्डर टू है। तो ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, आपको ध्यान देना है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा ये पॉइंट ध्यान से सुनना, ये जो है आपका रेट कांस्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ कब वेरी करेगा, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो टेम्परेचर अगर आप चेंज नहीं करोगे, कंसंट्रेशन चेंज कर लो, वॉल्यूम चेंज कर लो, मोल्स चेंज कर लो, प्रेशर चेंज कर लो, जो भी चेंज कर लो, ये चेंज नहीं होगा, के चेंज नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जरूर चेंज होगी, आर चेंज होगा, कंसंट्रेशन जरूर चेंज होगा, लेकिन रेट कांस्टेंट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो इसलिए ये चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए जब इसका कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट पे इफेक्ट होगा, और इसको ठीक वैसे ही आपको रिलेट करना है। पॉइंट नंबर फोर, वाया यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट, इसकी यूनिट से भी हम ऑर्डर का पता लगा सकते हैं। कैसे, वी नो रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, डेट इज रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन की पावर एन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर बाई कंसंट्रेशन ए की पावर एन, यू नो आर की यूनिट तो फिक्स ही है, मोलारिटी सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे ये क्या हो गया, मोलारिटी की पावर एन, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मोलारिटी की पावर वन माइनस एन। तो आपको क्या कर देना है, मोलारिटी जो आपको गिवन होगा रेट कांस्टेंट की यूनिट, उसको वन माइनस एन से इक्वेट कर देना, तो आपको ऑर्डर आ जाएगा वहाँ से। तो अगेन इंपॉर्टेंट है, एंड वाया ग्राफ भी निकाल सकते हैं, राइट? जैसे हाफ लाइफ टाइम का ग्राफ गिवन हो या रेट वर्सेज कंसंट्रेशन का ग्राफ गिवन हो, तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पांचवा जो ट्रिक है लास्ट, डेट इज एलिमेंट्री। कहीं पर अगर ये वर्ड यूज कर दे रहा है कि इट इज ए एलिमेंट्री रिएक्शन, तो डैट मीन्स जो रिएक्टेंट में स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वही पावर में चले जाएंगे, इसलिए ऑर्डर आपको पता लग गया। तो इस वर्ड पे ध्यान देना, एलिमेंट्री वर्ड अगर कहीं पे लिख दिया है
तो जो स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट का, सारे रिएक्टेंट का, वही पावर में चला जाएगा। डेट मीन्स ऑर्डर आपको मालूम है, ये वर्ड लिखा होना चाहिए। और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मैकेनिज्म गिवन है आपको, तो फिर स्लोएस्ट स्टेप जो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। डेट मीन्स वहाँ से आप रेट का इक्वेशन लिखेंगे, और जो मैकेनिज्म गिवन होगा उसमें हर एक स्टेप आपको क्या मानना है, एलिमेंट्री है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना। तो ये पांच ट्रिक से मैं अभी आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके भी बताता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे आपको बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। क्वेश्चन नंबर वन, आपको एक रिएक्शन गिवन होगी और उस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी गिवन होगा। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे मैकेनिज्म गिवन है और कौन सा स्टेप स्लो है फास्ट है वो सब गिवन होगा। सिर्फ अब हमको इसका यूज कर करके इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना होगा। तो कैसे करते हैं, अभी आपको पॉइंट नंबर 5 बताया था कि मैकेनिज्म का हर एक रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होता है और स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप से आप क्या लिख देंगे, रेट। और रेट कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जो भी रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट कौन है, NOBr2, उसका पावर 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टॉइकोमेट्री 1, क्योंकि हर एक स्टेप एलिमेंट्री मानना है। उसके बाद एक और बचा NO, उसका भी पावर 1। क्यों, क्योंकि इसका भी स्टॉइकोमेट्री 1 है। उसके बाद आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखना है कि क्या इसमें कोई नया बंदा आया है। नया बंदा का सेंस क्या है कि NO आपके मेन रिएक्शन में, आपको मेन रिएक्शन से कंपेयर करना है। NO तो प्रेजेंट है, लेकिन NOBr2 नहीं है, Br2 है, ये NOBr है। ध्यान देना, ये NOBr है, ये NOBr2 है। डेट मीन्स ये एक नया बंदा आ गया, तो इसको यहाँ से हटाना है, सिंपल सी बात। तो इसको कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए फिर आप ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे। ये अगर फास्ट रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगाएंगे कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट, पावर 1, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री 1 है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज NO का पावर 1, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री 1 है और Br2 का भी 1 है, तो Br2 का पावर 1। और यहाँ से आपको इसको हटाना है, तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, NOBr2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन NO कंसंट्रेशन Br2, राइट। अब इसको यहाँ पे आप पुट कर दो, तो पुट कर दोगे, इसलिए रेट क्या हो जाएगा, के इंटू के इक्विलिब्रियम अनदर कांस्टेंट के डैश, अब NOBr2 की जगह क्या जाएगा, NO और Br2, NO दो बार हो गया, तो NO की पावर 2 और Br2 की पावर 1। क्या ये मेरा फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन है, तो यस। क्यों है, क्योंकि इसमें कौन है, ध्यान से देखो, NO आपके मेन रिएक्शन में, यस है, Br2 मेन रिएक्शन में है, यस है। तो बस आपको ये देखना है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई एक ऐसा बंदा ना आ जाए जो आपकी मेन रिएक्शन में प्रेजेंट ना हो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड, डजेंट मैटर। अगर वो मेन रिएक्शन में नहीं है तो उसको हटाना है वाया यूजिंग अनदर मैकेनिज्म पार्ट। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, इधर पावर 2 और इधर पावर 1, इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। तो योर आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 2AB2 gives you 2AB, और देखो अगेन इस पॉइंट पे ध्यान देना, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। ये बोल रहा है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, जैसे ये बोला तो मैं रेट क्या लिख दूंगा, ध्यान से देखो, सम कांस्टेंट रिएक्टेंट A और इसका स्टॉइकोमेट्री 2 है, तो ये पावर में, फिर रिएक्टेंट B2, ध्यान दे इधर वाला नहीं, इधर आगे का नंबर, तो पावर 1, उधर कुछ भी नंबर हो कोई मतलब नहीं है। तो ये रेट हमने लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि एलिमेंट्री बोला जा रहा है। नाउ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस, कम किया गया है बाय ए फैक्टर ऑफ 3, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो अगेन आपको बताया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रेट कांस्टेंट, वॉल्यूम को आपने 1/3 कम किया, राइट, रिड्यूस बाय ए फैक्टर ऑफ 3। तो यू नो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को V/3 करेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, राइट, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक और 3 आएगा, तो 3 का पावर 1, तो कितना हो जाएगा रेट आपका, ध्यान से देखो, 27 टाइम्स। इस बात को समझेंगे, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चूंकि नीचे और वॉल्यूम को क्या किया गया, रिड्यूस बाय ये 1/2
थर्ड टाइम से रिड्यूस किया गया है, तो मतलब अभी वॉल्यूम पहले V था तो अब क्या हो जाएगा C डैश एम वी बाई थ्री, तो इसलिए ये 3 ऊपर गया, तो इसलिए C डैश क्या हो जाएगा एम वाई वी इंटू 3, डैट मीन्स कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा एक तरीके से 3 टाइम्स, इसलिए ये पावर 2 था तो 3 का पावर 2, यहाँ 1 था तो 3 का पावर 1, डैट मीन्स 27 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे आपको एक रिएक्शन गिवन है 2NO 2H2 gives you N2 and 2H2O, H2 का डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में आपका प्रेशर गिवन है, NO का प्रेशर गिवन है और रेट गिवन होगा, तो आपको पूछा जाएगा कि NO का क्या ऑर्डर होगा, H2 का क्या ऑर्डर होगा या ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझो आप कि ध्यान से देखो आपको क्या करना है, किसी एक को फिक्स करना है। ध्यान से देखो इसमें मैंने क्या किया, H2 को फिक्स, इसका प्रेशर को वेरी नहीं कराया, और NO का क्या हुआ 40 से 20, डेट मीन्स हाफ हो गया, तो रेट में क्या हुआ ध्यान से देखो, रेट आपका क्या हो गया 1/4 टाइम्स हो गया। ध्यान से देखो जब आपने प्रेशर को हाफ किया तो रेट क्या हो गया, ध्यान से देखो 1/4 टाइम्स हो गया। 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, तो जो आपको ट्रिक बताया था, तो ये पावर कितना आ गया 2, तो इसलिए NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। वैसे ही अगर मुझे H2 का निकालना होता तो मैं क्या करता, फिर NO को फिक्स करता। ध्यान से देखो इस वाले एक्सपेरिमेंट में दो एक्सपेरिमेंट को आपको चूज करना है, इसमें NO को फिक्स कर दिया तो H2 का वेरिएशन कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो हाफ हो रहा है, तो हाफ होने पे ये क्या हो गया, ध्यान से देखो ये भी हाफ हो गया, डैट मीन्स अगर मैं हाफ कर रहा हूँ H2 का प्रेशर तो रेट भी हाफ हो रहा है, तो हाफ को कैसे लिख सकते हैं 1/2 का पावर 1, राइट, तो यहाँ पे H2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाता 1। तो ओवरऑल ऑर्डर अगर पूछा है, सिर्फ ऑर्डर बोल दिया है, तो 2+1 डैट इज 3, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO बताओ तो 2, H2 बताओ तो 1, तो वेरी सिंपल है। अगेन एक और क्वेश्चन नंबर आप 3 देखो, सेम इस टाइप से रिएक्शन दे करके, और ये गंदे गंदे नंबर दे देगा, कुछ बच्चे ये देख करके डर जाते हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं बेटा, रफ़ी सर आपके साथ हैं, सिंपल हमें ऑर्डर पूछा है। अगेन आप क्या करो, एक बार H2 को फिक्स करो, वो दिख जाएगा एक्सपेरिमेंट में, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में H2 फिक्स किया हमने, और NO का क्या हो रहा है, ध्यान से देखो NO का 3 हो रहा है, राइट, क्योंकि ये दोनों चीज़ तो दोनों में कॉमन है, 8, 3, 24, 3 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो ये भी 3 टाइम्स हो रहा है, कैसे, क्योंकि 2.1 को हटाओगे तो ये 10^-9 हो जाएगा, तो 7, 3, 21, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं 3 टाइम्स किया तो वो भी 3 टाइम्स हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3^1, तो इसलिए ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO कितना हो जाएगा 1, अगर NO का पूछता तो। उसके बाद आप क्या करो, आप इन दोनों में देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या हो रहा है, NO फिक्स कर दिया 24 फिक्स कर दिया NO, उसके बाद H2 का देखो क्या किया आपने, H2 8/4 था, ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये कितना टाइम्स हुआ ध्यान से देखो, ये भी 4 टाइम 21/84, तो डैट मीन्स क्या हो गया कि अगर मैं H2 का 4 टाइम्स कर रहा हूँ तो वो भी 4 टाइम्स, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 4^1, तो यहाँ पे H2 का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, राइट, तो इसीलिए ओवरऑल ऑर्डर पूछेगा तो 1+1 डेट इज 2, NO के रेस्पेक्ट में 1, H2 के रेस्पेक्ट में 1, वेरी सिंपल है ये, जस्ट एक को फिक्स करो, दूसरे का चेंज देखो, दूसरे का चेंज रेट में क्या चेंज ला रहा है उसको रिलेट कर लो, जो भी आपको ट्रिक में बता रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट एक साथ यूज हो जाएंगे। आपको एक रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन में ए और बी का कंसंट्रेशन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में और रेट गिवन आपको, तो आपको एक्स फाइंड आउट करना है और वाई, ये दो अननोन फाइंड आउट करना था, तो देखो कैसे क्विकली करेंगे। सबसे पहले रेट में देखो पावर सबका सेम नहीं है, तो आप क्या कर दो, इसको रीअरेंज करके लिख दो, इसको 6×10^-3, इसको 24×10^-3, इसको 12×10^-3, इसको 72×10^-3, इसको 288×10^-3, ऐसा करने से अब आपको देखने में इजी हो जाएगा। अब वही सेम कंसेप्ट लगा कि मैं एक बार ए को फिक्स कर रहा हूँ, ध्यान से देखो इसमें ए फिक्स हो गया और बी को क्या किया डबल, ध्यान से देखो 0.1 का डबल 0.2, तो बी को डबल करने से रेट क्या हो गया ध्यान से देखो 4 टाइम्स, डैट मीन्स क्या हो रहा है कि जब मैं बी को डबल किया तो रेट 4 टाइम्स, 4 को आप क्या लिखोगे 2 का पावर 2, इसलिए ऑर्डर यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2,
ऑर्डर बी के रिस्पेक्ट में हो गया टू। वैसे ही अब बी को फिक्स करो तो बी कहाँ पे फिक्स होगा, ध्यान से देखो, वन एंड थ्री में, पॉइंट वन पॉइंट वन। बी को फिक्स किया तो वन एंड थ्री भी इसका देखना है, तो आपने ए को क्या किया डबल, तो वन एंड थ्री इसका देखो, तो डबल करने से क्या हो रहा है सिक्स टू द ट्वेल्व डबल, तो ए में क्या देख रहे हैं कि डबल करने से डबल, डबल को क्या लिखोगे टू की पावर वन, तो ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा वन। इसलिए अब आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है वन और बी के रिस्पेक्ट में टू। तो अब यहाँ पे आपको रेट मालूम है, ए का कंसंट्रेशन बी का कंसंट्रेशन, तो के निकल जाएगा, तो पहले के निकालो एक्सपेरिमेंट नंबर वन से, तो रेट आपका कितना है सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू, के नहीं मालूम है, ए का कंसंट्रेशन पॉइंट वन और बी का कंसंट्रेशन भी पॉइंट वन, लेकिन स्क्वायर है तो दो टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये 10 की पावर माइनस थ्री से 10 की पावर माइनस थ्री कैंसिल, तो डायरेक्ट क्या यहाँ पे क्या आ गया आपको सिक्स। अब आप निकाल सकते हो x, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर फोर में आप पॉइंट लगा दो कि r इज इक्वल टू, फोर का r कितना है 72 इंटू 10 की पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू, k आपको मिल चुका है सिक्स इंटू कंसंट्रेशन a, तो a तो वही निकालना है आपको x, और कंसंट्रेशन b, तो b ध्यान से देखो है आपका पॉइंट टू, पॉइंट टू इंटू पॉइंट टू, क्यों, क्योंकि इसका पावर है टू। तो यहाँ से ध्यान से देख सकते हो आपको कितना आ जाएगा कंसंट्रेशन x, डेट इज पॉइंट थ्री, और सिमिलरली आप पुट कर करके y भी निकाल सकते हो, तो वो आ जाएगा पॉइंट फोर। तो आंसर क्या हो जाएगा, x का आंसर हो जाएगा पॉइंट थ्री और y का आंसर हो जाएगा आपका पॉइंट फोर, तो ये आंसर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, कि ए स्टूडेंट हैज स्टडीड द डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ए बी थ्री एट 25 डिग्री सेल्सियस, ही ऑप्टेन्ड द फॉलोइंग डेटा, प्रेशर और टी हाफ का उसको डाटा मिला, कि प्रेशर 50 था तो हाफ लाइफ टाइम 4 सेकेंड, फिर 100 था तो 2 सेकेंड, 200 था तो 1 सेकेंड, 400 था तो 0.5 सेकेंड। तो ध्यान से देखो ये सब कहानी बहुत सुनाएगा, टेम्परेचर, कुछ बच्चे टेम्परेचर देख के डर जाते हैं, कुछ बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, बेटा करना कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि रफी सर का ट्रिक आपके साथ है। आपको क्या बताया है कि टी हाफ क्या होता है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस एन, राइट। अब उसके बाद हमने आपको बता रखा हूँ कि जीरो ऑर्डर में क्या होता है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है टी हाफ इंडिपेंडेंट ही हो जाता है, राइट, नो इफेक्ट यू कैन से, और सेकेंड ऑर्डर में क्या बता रखा है टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। बस देखो ध्यान से देखो, जब 50 था तो 4, आपने डबल किया बढ़ाया तो ये क्या हो गया कम हो गया टू टाइम्स, राइट, डबल किया तो ये हाफ हो गया, फिर यहाँ डबल किया तो फिर ये हाफ हो गया, फिर यहाँ डबल किया तो फिर ये हाफ हो गया, ध्यान से देखो, तो डैट मीन्स क्या हो रहा है इन्वर्सली रिलेटेड है, राइट, बढ़ा रहे हैं तो घट रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा डायरेक्ट आप बोलोगे ऑर्डर टू, क्यों, क्योंकि जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो हाफ लाइफ टाइम कम हो रहा है, इन्वर्सली रिलेटेड है ऑर्डर टू। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रेशर 500 है तो हाफ लाइफ टाइम 240 सेकेंड है, जब प्रेशर को हाफ किया 250 तो हाफ लाइफ टाइम 4 मिनट, भाई 4 मिनट क्या हो गया भाई 240 सेकेंड, तो डेट मीन्स क्या हुआ कि आप प्रेशर को चेंज कर रहे हो तो हाफ लाइफ टाइम चेंज नहीं हो रहा है, डेट मीन्स इंडिपेंडेंट, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा वन, कैसे, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर का डिपेंड ही नहीं करता इनिशियल प्रेशर या कंसंट्रेशन क्या है। वैसे एक और क्वेश्चन, प्रेशर जब इतना था तो हाफ लाइफ टाइम 340 सेकेंड, और जब प्रेशर हाफ कर दिया, ध्यान से देखो 55 का हाफ 27, तो कितना हो गया हाफ लाइफ टाइम, वो भी हाफ हो गया 340 का हाफ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, हाफ करने से हाफ हो रहा है, तो डायरेक्टली कब होता है जब ऑर्डर होता है जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो। तो वेरी सिंपल है, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाफ करने से हाफ, डबल करने से डबल, फर्स्ट ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेकेंड ऑर्डर में उल्टा चलेगा, बढ़ाओगे तो घटेगा और घटाओगे तो बढ़ेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, कि ए गिव्स यू बी, रेट कॉन्स्टेंट आपको गिवेन है, सम नंबर इनटू और ये यूनिट, तो ये नंबर देख के नहीं डरना, ये वैसे भी कुछ भी दे सकता है, मेनली यूनिट पे ध्यान देना, क्या है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो इसको आप कैसे लिखोगे लीटर बाय मोल, राइट, और सेकेंड इनवर्स, लीटर बाय मोल को आप क्या लिख सकते हो मोल बाय लीटर, तो वन बाय मोल बाय लीटर लिख लो, और सेकेंड इनवर्स तो ये क्या हो गया वन बाय एम, तो इसको लिख सकते हैं एम की पावर माइनस वन,
सेकेंड की पावर इनवर्स, राइट। वी नो कि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट था वो मोलारिटी की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, तो आप कंपेयर करो सेकेंड इनवर्स तो कॉमन है, डैट मीन्स 1 माइनस एन शुड बी इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ जो रहेगा माइनस वन, तो यहाँ से एन कितना आ जाएगा आपका 2, तो इसलिए ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर की। तो इस तरह से रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट अगर गिवन हो तो वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं रेट। क्वेश्चन नंबर 10 कि आपको डिफरेंट रिएक्शन का ग्राफ दिया है, लॉग रेट वर्सेज लॉग कंसंट्रेशन, तो वी नो रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन की पावर एक्स होता है, दोनों साइड लॉग ले लो, तो ये क्या हो जाएगा लॉग रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लॉग के और प्लस ये एक्स बार आ जाएगा आपका दैट इज पावर और ये लॉग ए कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो लॉग कंसंट्रेशन को उसने किस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे, लॉग रेट को किस पे लिया है, वाई एक्सिस पे, तो क्या हो गया ये वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस ये आपका स्लोप हो गया एम एक्स, राइट। डैट मीन्स जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका ये नंबर ज़्यादा होगा, डैट मीन्स ऑर्डर ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है यू नो एक्स एक्सिस से, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्लोप बढ़ता जाएगा क्योंकि टेन थीटा होता है, तो इसलिए सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी का, फिर ए का, फिर सी का, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी सिंपल, जस्ट स्लोप से आप कंपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 लॉग टी हाफ वर्सेज लॉग कंसंट्रेशन ग्राफ अगर ऐसा रहा है, तो वी नो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन होता है, राइट। अगर जीरो ऑर्डर होता है तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, दोनों साइड लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा लॉग टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग सी नॉट, ध्यान से देखो डायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, ऑर्डर विल बी जीरो, क्यों, क्योंकि लॉग टी हाफ वाई एक्सिस पे लिया है और वाई इज इक्वल टू डायरेक्टली सम एम एक्स हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो सकता है, जो ये आपका c हो गया और ये आपका स्लोप हो गया, तो ये जीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कि एक रिएक्शन गिवेन है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐसे गिवेन था कि कंसंट्रेशन b का जब सिर्फ डबल करते हैं तो t हाफ चेंज नहीं होता है और a का डबल करते हैं तो रेट डबल होता है। तो ध्यान से देखो अगर मैंने b का कंसंट्रेशन डबल किया t हाफ चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन कि ए का डबल कर रहे हैं तो रेट डबल, तो ए का जब मैंने कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया ऑर्डर 1, क्यों, क्योंकि डबल करने से डबल मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, समझा रखा आपको। तो ये ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया रिएक्शन का 2, तो अगर ओवरऑल ऑर्डर हो गया 2 तो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट का क्या था मोलरिटी 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर दो तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो मोलारिटी इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या इसी को लिख सकते हैं लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये सब यूनिट हो जाएगी आपका रेट कांस्टेंट का। तो ये पूछा गया क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, तो वही रेट कांस्टेंट के यूनिट 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, एक बार आप फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है तो n 1 पुट कर दो और एक बार n 0 पुट कर दो, तो n 1 पुट करोगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स डेट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और n 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा मोलारिटी सेकेंड इनवर्स फॉर जीरो ऑर्डर। सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि a प्लस बी गिव यू प्रोडक्ट, रेट के a और b है, b का कंसंट्रेशन 0.1 से 0.3 कर रहे हैं कीपिंग a कांस्टेंट, ए का कंसंट्रेशन चेंज नहीं किया, बी का 0.1 से 0.3 किया, तो ध्यान दो रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको बता रखा हूँ रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, चेंज क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन या सिर्फ रेट, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। तो पहले अगर के था तो अभी भी क्या होगा के ही होगा, कुछ बच्चे जल्दबाजी में 3 times हुआ तो 3k कर देते हैं गलत, और ये तो वैसे पास नहीं है या k/3 कर देते हैं, ये सब गलत, रेट कांस्टेंट अभी भी वही रहेगा, कंसंट्रेशन प्रेशर वॉल्यूम मोल्स ये सब चेंज करने से रेट कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। तो आई होप ये पूरा मेरा जो वीडियो लेक्चर है आपको पूरा समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कैसे हम ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर के रिएक्शन को कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।